मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। त्योंथर रीवा के गेहूं खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम जारी है। भारी बारिश ने त्योंथर तहसील के राजापुर, कुठिला, अमार, चंदपुर सहित विभिन्न खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। भारी बारिश के चलते तकरीबन 2000 क्विंटल गेहूं भीगकर बर्बाद हो रहा है। व्यवस्थाओं के नाम पर शासन से लाखों रुपए तो आते हैं, फिर भी समिति प्रबंधक किसानों के अनाजों की सुरक्षा करने में नाकाम है। मौसम विभाग के द्वारा विगत सप्ताह पूर्व से ही भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है, इसके बाद भी समिति प्रबंधकों के द्वारा बारिश से निपटने का कोई इंतजाम नहीं कराया गया, जिसकी वजह से किसानों से खरीदे गए हजारों क्विंटल गेहूँ बारिश की वजह से बर्बाद हो गया है। इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन की भी उदासीनता सामने आ रही है। अब देखना यह है कि क्या वरिष्ठ अधिकारी इस भारी नुकसान के लिए समिति प्रबंधकों के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करते हैं या फिर इस अनाज को संग्रहित कर गरीब परिवारों पर थोपने का काम करेंगे। क्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार।